हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा खा रहा है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो गई है। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो गई है। ये कल का वीडियो है। बहुत तेज मौसम, इतना अच्छा हो गया था और बारिश भी सुबह सुबह होने लगी। कितनी तेज बारिश और सुबह सुबह बारिश हो रही है। वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी। या मेरी आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हो। मैंने सुना चलो आज आपके साथ में मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। ये जो आप लोग गाड़ी देख रहे हो, जो यहाँ पे उनके बाहर में खड़ी हो, चलो अंदर चलिए चलते हैं। आप सुबह नाश्ते में मैंने क्या बनाया वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। उसके लिए मैंने प्याज काट लिया है, चीनी ले ली है और ये नींबू लिया है जिसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। और इसके पास में हल्दी, ये करी लीव्स, ये राई है और जीरा, हरी मिर्च कटी हुई। और ये मैंने मूँगफली के कुछ दाने लिए हैं जो रोस्ट नहीं हैं, उनको मैं रोस्ट करूँगी। और इसके बाद में मैंने ले लिया है पोहा। ये थोड़ा कम पोहा है, मूंगफली के दाने जो थे वो ज़्यादा थे, पर जो जितना था मेरे पास में उतना ही मैंने ऐड कर लिया था। और ये मैंने ले लिया स्ट्रेनर, जो मैं पोहे को मतलब कि साफ़ करूँगी इससे। इसको पानी में भिगो के धुलना नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा पोहा तो सबके घरों में बनता है और अपना अपना तरीका होता है अलग अलग बनाने का, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने को इस मैंने इसको ऐसे पानी डाल दिया है। पानी हल्के पानी से मैं इसे वाश कर लूँगी और ये अच्छी तरीके से वाश हो जाएगा, जो पानी होगा गंदा वो नीचे से निकल जाएगा। और इसके बाद में मैंने ले लिया है ये मूंगफली के दाने जो मुझे रोस्ट करने थे। ये देखिए मैंने इसको रोस्ट भी कर लिया है। और उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। उसके बाद में मैंने करी मिर्ची और ये जो मैंने काट के रखे थे करी लीव और राई, हल्दी, जीरा, ये सब मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अच्छे से चटक रहा है, देखिए राई कितनी ही चटक रही है। और इसके बाद में जो मैंने प्याज काट के रखा था उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से हल्का सा पकने के बाद में मैं इसमें ये चीनी ऐड कर दूंगी। आपके पास, आपको इसको नहीं पसंद करते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, तो भी अच्छा लगता है। और इसके बाद में मैं हल्दी ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे हल्का सा। आप लोग गैस से इसको धीमी ही रखना क्योंकि हल्दी मसाला जल्दी से जल जाते हैं। और ये जो मैंने मूंगफली के दाने रोस्ट करके रखे थे इसको भी मैं इसी में ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है ये भी। और इसके बाद में मैं जो पोहा रखी थी उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए बनके तैयार है मेरा पोहा। और इसमें मैं अब नमक ऐड कर दूंगी, आप अपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना। और फिर मैं जो नई नींबू काट के डाल रखा था उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए नींबू भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, अच्छे से मिल जाएगा चीनी, नमक और नींबू का रस। इसके बाद में मैं, ये देखिए तैयार है मेरा पोहा। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए खाइए पोहा। और ये देखिए मैंने जो ब्रेकफास्ट में बनाया था, तो ये देखिए तैयार हो गया है गर्मा गर्म पोहा। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और उससे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेरा नाश्ता हो गया है और मेरे सारे काम भी हो गए। अब मैं फिर से किचन में आ गई, बना रही हूँ लंच के लिए। मैं लौकी के कोफ्ते बनाई थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों की रेसिपी शेयर कर देते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ आप लोग, अपना अपना तरीका होता है, मैंने बोला ना अपना अपना तरीका होता है। अब अलग अलग तरीके से सबके घरों में खाना बनता है, तो इसीलिए मैं लौकी कद्दूकस कर ली थी। उसके बाद मैंने लौकी का जो रस निकला था पानी इसमें नहीं ऐड किया है, उसको मैं निकाल दी हूँ। और इसमें मैंने बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर लिया हुआ है और ये थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ। इसका स्वाद ही अलग होता है
और इसका खाने का टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसका मैं अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी और ये मैं टेस्ट के अनुसार अपना नमक ऐड कर दिया है। इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद में ये देखिए इसको हमें 10 या 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जो आप बेसन देख रहे हो दरदरा है क्योंकि ये मेरा चक्की का पिसा हुआ है। और ये मैंने टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखिए तैयार है मेरा कोफ्ता बनाने के लिए बेसन। और चलिए मैं आप ले चलती हूँ आपको अपनी गैस की तरफ। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये सब धीरे धीरे करके मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। और अच्छे से ब्राउन होने तक हमें पकाना है। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। वीडियो आप लोग लाइक बहुत कम देते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई हैं और मैं इनको अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए निकल आई हैं। और फिर मैंने सेम कढ़ाई ली है, उसी में मैंने तेल जो बचा हुआ था उसको निकाल लिया और ये मैं दूसरा तेल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए तेल में गरम हो चुका है अच्छे से और मैं इसमें ऐड कर दिया है जीरा थोड़ा सा और एक चम्मच ये आपके एक दो की आप जितना समझ सकते हो। और इसके बाद में ये मैं ये अच्छे से पक गया है। इसके बाद में मैं गैस ली और ये धनिया डाल, आप लोगों को गैस धीमी ही रखनी नहीं तो मसाले जल जाते हैं। और ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। टमाटर और मिर्ची का इसको भी मैं इसमें ऐड कर दिया और इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने एक चम्मच इसमें बेसन ऐड किया था, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। और ये देखिए अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ने लगे हैं। ये देखिए और इसको अच्छे से पकाना, जो मैंने लौकी का जूस निकाल के रखा था उसको भी मैं इसी में ऐड कर दिया। आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना मत डालिए। और इसके बाद में मैं पानी डाल दिया है, आपको कितना गाढ़ा ठीक पसंद है या फिर पतला पसंद है, रनी पसंद है तो आप उस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में मैंने ये गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया और ये कसूरी मेथी और इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद में जब उबलने लगेगा, ये देखिए उबलने लगा, इसमें मैंने ये नमक ऐड कर दिया है और ये जो मैंने कोफ्ते बना के रखे थे उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है और मेरे घर में सबको रनी पसंद तो मैं रनी बनाती हूँ। आप लोगों को कैसा पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हो। ये देखिए बन के तैयार है। मैंने कोफ्ते मैंने चावल के साथ बनाए थे और आप इसको चावल पूड़ी रोटी के साथ में बना सकते हो, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। सो गाइस मेरा लंच हो गया है और ये देखिए मैंने अपने बाबू की बचपन की वीडियो एक छोटी सी ऐड कर दी क्लिप को। ये देखिए ये इसके, ये ठंडी का मौसम था तो गुड़ मेरे घर में पसंद है तो खाते हैं, तो इसका क्या कहना था कि मुझे पूरा चाहिए। और जो हम इसको थोड़ा सा दे रहे थे ये नहीं ले रहा था, उसके बाद में ये देखिए पूरा ले के खड़े खड़े पूरा खाया नहीं था, बस थोड़ा सा खा लिया था। ये देखिए रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था और ये देखिए गुड़ खाते खाते खा लिया अपना पूरा। और इसके बाद में मैं अभी आई हूँ शाम को छत पे, नाइट के समय बज रहे हैं 9:30, तो मैंने चलिए छत पे घूम खाते हैं। तो ये देखिए शाम का नज़ारा, इवनिंग रात का। बहुत ही ठंडा मौसम है, ये मेरे घर के सामने जो पार्क है उसमें लाइटें लगी हुई हैं वो जल रही हैं और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई जब ये बज रहे हैं रात के 9:30 और भाई मैं आई हूँ थोड़ा सा छत पे, हवा ठंडी ठंडी चल रही तो मैंने सोचा चलो छत पे घूम के आते हैं और आप लोगों को लाते हैं अपना नाइट में
जो छत का जो नज़ारा होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो अब मैं आए तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये देखिए भी आ गया है बेटा मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।